नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। आइए, समय हो गया है, रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। मुंबई से सटे उल्लासनगर के कैंप नंबर 5 के पास से उत्पात मचाने को लेकर खबर सामने आई है। दरअसल न्यू इंग्लिश स्कूल के पीछे रहने वाले सनी सोनकर नामक युवक ने हिल लाइन पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसके तहत मोमोज खाने के बाद पैसे देने को लेकर सनी और मोमोज खाने वाले के गिरोह के बीच मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। गिरोह के लड़कों ने धारदार तलवार व चापर से सनी नामक युवक पर हमला करने की कोशिश की, जिसको लेकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। हमारे घर पे जैसे मतलब कल कुछ भी हुआ, हमको पहचानते नहीं। हमको तुम्हारे बात जो बुलाया सामने वाले ने, वो बोलता है कि मेरा भाई अभी बोल रहा है। तब भी तो मैं इधर घर पे बैठा था, तो वो लोग डायरेक्ट सामने से आए, डायरेक्ट मारना चालू किया। मेरी माँ को भी, मेरी बहन को भी मारा है लोग ने। सामान डायरेक्ट निकाला उन लोग ने। क्या सामान? उनके पास चौपर था, रॉड था पूरा, उनके पास चौपर ही पड़ा था। रॉड तो नहीं था, उनके हाथ में पूरा चौपर ही दिख रहे। ये इधर गोकुल नगर में रहते हैं, उसका एक का नाम उम्मीद है और बाकी जो इधर है उनको मैं नहीं पता। उन लोग कहता होता था मारने की वजह क्या था? गाड़ी के मेरा बड़ा भाई मोमोज का गाड़ी लगाता है, उसके पास खाए तो मतलब किरकिर भी किए, पैसा भी नहीं दिया, पिए लेते वो लोग, तो मारा भी इसको। इसके सर पे इधर टेम्बल निकले है, इधर आ सामने ना, हाँ, तो इसके सर पे पूरा गुरमा निकले है, इसको मारा। ये लोग ने फिर बोलता है कि आप भी बोलता तुम्हारा धंधा नहीं लगाने देंगे, बोलता है हफ्ता बीता चालू करेंगे, ये करेंगे। अभी डायरेक्ट मेरे घर पे घुस के, मेरे घर पे घुस के मारने का मेरे को रश किया है लोग ने, मेरे को जान से मारने का धमकी दिया। कुछ दिन पहले लोग गाड़ी पे आए थे, 5-6 दिन पहले, 5 प्लेट मोमोज लिए आए और 200 रुपये देखे गए। बोला भाई इतना नहीं होता है, तो लोग जबरदस्ती पैसा फेंक के चले गए, धमकी देने लगे मुझे। धमकी दे के बोलते हैं कि इज्जत से रख ले पैसा, जितना दिया उतना नहीं, तेरे को मारेंगे भी, कल से हफ्ता भी चालू हो जाएगा तेरा, गाड़ी भी बंद करा देंगे तेरा। उनके डर के मारे से मैं 3 दिन से गाड़ी बंद करके बैठा हूँ, 3-4 दिन हो गया। कल लगाया था, कल वापस हाथापाई हो गया। ये लोग ने धमकी दिया, मेरा भाई शायर के इधर से आ रहा था, जानबूझ के उन लोगों ने बुलाया, उधर से जानबूझ के बुलाया। जानबूझ के बुलाने के बाद इन लोगों ने बातचीत में इन लोगों ने मारना चालू कर दिया। उधर उन लोगों का हाथापाई चालू हो गया। रात को फिर ये लोग, फिर अभी सुबह, फिर वो सब मेट्रो क्लोज हो गया। उसके बाद अभी सीधा घर पे आके सीधा सामान लेके, तलवार वीरा लेके भाई को मारना चालू किया उन लोगों ने। खबर मुंगावली के अशोक नगर से है, जहां त्याग तपस्या एवं जनमानस कल्याण की मूर्ति महामुनि राज 108 श्री विद्यासागर महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने पर नगर के TAB हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों व स्टाफ द्वारा भारत का नक्शा बनाकर आचार्य श्री को भावभीनी विनय अंजलि अर्पित की। विनय अंजलि सभा को संबोधित करते हुए स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद जैन ने बताया कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए अपूर्णीय क्षति है। महाराज श्री सभी समाजों में पूजनीय थे, उनके आदर्श सदा हमें प्रेरित करते रहेंगे। खबर मुंबई से है, जहां विधायक जीशान सिद्दीकी को 2 दिन पहले मुंबई यूथ कांग्रेस के पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि अब कांग्रेस में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं बची है। वांद्रे ईस्ट से विधायक सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस में सबसे खराब कम्युनलिज्म है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपने धर्म के चलते उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मुंबई युवा कांग्रेस पद से हटाए जाने के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई थी। खबर बिहार से, जहां पटना BJP ऑफिस के बाहर समान काम के लिए समान वेतन और अस्थायी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे जवानों पर पुलिस ने खूब लाठियां भाजी है। दरअसल जवान अपनी मांगों को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात की मांग को लेकर BJP कार्यालय के सामने पहुंचे थे। विधानसभा सत्र होने की वजह से प्रदर्शनकारियों से BJP नेता की मुलाकात नहीं हो पाई, तो वे लोग उग्र हो गए थे और वहीं धरना प्रदर्शन करने लगे, जिसको लेकर पटना के ग्राम रक्षा दल के जवानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। मानहानि मामले में उनकी याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ये गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ा मामला है। राहुल गांधी निचली अदालत की ओर से जारी किए गए समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया है। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।